नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने देखा होगा अभी हमने मॉडर्न इंडिया के लगभग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ जो मेरे नोट्स से थे, अब उसी का ये आप दूसरा पार्ट समझ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन जो है वो डेली शेयर करता रहूँगा और आप जो है अच्छे से पढ़ते रहें। और दोस्तों एक चीज़ और, आज जो है मॉर्निंग से ही नेट की प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो इस तरीके की समस्या फ्यूचर में भी कभी हो सकती है। तो आप लोगों को ऐसा करना है, अगर मेरी वीडियो नहीं भी मिल पा रहे हैं तो आप आउट ऑफ रन मोड में आ जाइए, मतलब चाहे वीडियो मिले ना मिले तब भी जो है आपकी पढ़ाई में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो आप अपनी फुल स्विंग में करते रहें, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाया, या फिर नेट की कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तब नहीं आ पाया, तो इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर वीडियो ना भी आए उसके बाद भी आपकी पढ़ाई में किसी भी तरीके का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपको सभी का बता ही दिया गया है, बुक्स भी बता दी गई हैं, सब कुछ बता दिया गया है। अब जो है आपको अपनी मेहनत करनी है। ये जो मैं बीच बीच में जो क्वेश्चन वगैरह या फिर इंग्लिश के लिए डालता हूँ ये तो आपके रिवीजन के लिए और बूस्ट अप के लिए होता है कि आप फिर से चार्ज हो जाएं और अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है। मगर वीडियो नहीं भी आते हैं तब भी आप इस चीज़ के लिए थोड़ा तैयार रहें। वैसे कोशिश मेरी पूरी हमेशा ये रहेगी कम से कम डेली आपको 1 से 2 वीडियो तो दिए ही जाएँ किसी भी हालत में, ठीक है। मगर फिर भी अब भविष्य के बारे में तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है दोस्तों, और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना, मतलब ये जो हुई थी वो कब हुई थी, ये भारत के अंदर ये 1916 के अंदर हुई थी दोस्तों, मद्रास के अंदर, ठीक है। और एनी बेसेंट आपको पता ही होगा, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताता रहूँगा। एनी बेसेंट जो है हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी वो आप बताएं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा ना क्वेश्चनों का तो ज़्यादा ही आप और अच्छे से सीखेंगे। और दोस्तों देखिए क्वेश्चन और किताबों में जो लिखा है वो हर टीचर या कोई भी हो सब एक से ही पढ़ाते हैं, बस होता क्या है हर किसी का समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और हर स्टूडेंट की अपनी ग्रेस्पिंग पावर होती है कि वो किस तरीके समझ सकता है, वरना टीचर तो सारे ही अच्छा पढ़ा रहे हैं और मैटर तो एक ही है ना, मॉडर्न इंडिया के अंदर जो है वो सब है, सभी के पास वही है, तो बस थोड़ा सा समझने का तरीका है, आप अच्छे समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, चंपारण विद्रोह में क्या किया गया था। चंपारण विद्रोह जब महात्मा गांधी आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, तो आए तो थे हमारे 1915 के अंदर, है ना, 1915 के अंदर आए थे, और जो चंपारण विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1917 में। चंपारण विद्रोह में किस प्रथा का समाप्त किया गया था, तो जो प्रथा समाप्त की गई थी वो थी चंपारण विद्रोह, ठीक है। तो चंपारण विद्रोह में तीन गठिया प्रथा का समाप्त किया गया था, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत बोल गया मैं। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल, अगर ये पूछी जाए कि पहली भूख हड़ताल कब की थी, तो वो की थी 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों की जो हड़ताल थी वो पहली गांधी जी ने भारत के अंदर भूख हड़ताल की थी। उससे पहले दोस्तों ये सत्याग्रह वगैरह पे एक्सपेरिमेंट जो हैं ये सारे प्रैक्टिस करके आए थे, कहाँ, साउथ अफ्रीका के अंदर, उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी एक मास मूवमेंट जो है वो खड़ा कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, और आई होप मैंने जो आप लोगों को मूवीज़ बताई थी वो आप लोगों ने देखी होंगी। अगर आप वीडियो मूवी वाला वीडियो नहीं देखा है ना आपने, तो आप मेरे वीडियोस में जाएं, वहाँ पर आपको मूवीज़ का जो है मिल जाएगा, जिसमें मैंने 8 मूवी बताई हैं, उसके अंदर गांधी भी मूवी बताई है, वो जरूर देखिएगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई हैं। तो 1918 में गांधी जी ने गुजरात में जो है खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। तो ये कौन सा आंदोलन है, कर नहीं देना है, इस आंदोलन में ये कहाँ चलाया गया था, गुजरात के खेड़ा में। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको पता होगा जलियांवाला कांड हुआ था, है ना, जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था 1919 में 13 अप्रैल को, बैसाखी का दिन था, और जो है एक हंसराज नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो है मुखबरी कर दी थी और जो है जनरल डायर ने जो है गोली चलवाई थी। तो इसके विरोध में जो है जब ये हो गया तो काफ़ी जो है लोग नाराज़ हुए हमारे यहाँ के, और कई लोग थे जो लेजिस्लेटिव में बैठे हुए थे या जो सरकारी नौकरियों में थे, अलग अलग तरीके से थे, तो इसमें एक शंकर नारायण जी थे, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था उस समय पर, ठीक है, वो भी अंग्रेजों की कोई उसमें असेंबली वगैरह में थे उस समय पर, ठीक है। तो किसने दिया था, शंकर नारायण और नायर, शंकरन नायर। इसके बाद ये है कि कांग्रेस समिति ने जलियांवाला बाग के लिए जो है एक समिति बनाई, देखिए अंग्रेजों ने भी बनाई थी, एक हंटर कमीशन बनाया था जिसमें कि ये जाँच की जाएगी कि ये जो सब हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ या फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे दी जाएगी, और
कांग्रेस ने भी बनाई, इसके कौन कौन से थे समिति में जो लोग थे वो कौन कौन थे? इसमें थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और ये स्वराज पार्टी जो है वो कांग्रेस में से ही निकल कर अलग हुई थी, जो कि जिनका मेन मोटो था कि जब इलेक्शन होंगे तब हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, जबकि कांग्रेस उस समय जो है नहीं करना चाह रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किंग्स फोर्ड की हत्या की कोशिश किसने की थी? ये थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी कौन सा था जिसे फांसी दी गई थी, वो थे दोस्तों हमारे खुदीराम बोस, 18 साल भी उनकी उम्र पूरी नहीं थी। और किंग्स फोर्ड की जो हत्या की जो कोशिश थी वो प्रफुल्ल, ये दोनों पर्सन जो है उसमें इन्वॉल्व थे। तो इन दोनों को ही हमारा नमन है और आप जो है याद रखें दोनों। फिर है जैसे कि देखिए, हाँ इनकी जो उम्र थी दोस्तों, देखिए नेक्स्ट मैंने ये लिखा है, खुदीराम बोस को फांसी हुई थी 18 वर्ष 7 महीने और 11 दिन। हाँ, तो 18 साल तो हो गए थे, 19 नहीं हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो तो हुई थी 1906 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और जो संविधान, हर पार्टी का एक खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, तो मुस्लिम लीग का जो था 1907 में कराची में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की का पहला अधिवेशन, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो ये है 1908 अमृतसर में। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद जो है वो फिर मुस्लिम लीग उन्होंने बाद में ज्वाइन की, फिर बाद में उसके मतलब सबसे ऊंची कमान पर पहुंचे मुस्लिम लीग में। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई? तो दोस्तों ये बनाई थी हमारे रास बिहारी बोस जी ने। तो रास बिहारी बोस ने जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट है गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? देखिए ज़्यादातर अमरीका तो लोगों को पता होगा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913। ठीक है, 1913। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं दोस्तों आपको याद रखें, हिंदी भी आनी है तो थोड़ा सा हिंदी में भी एडजस्ट करें। नेक्स्ट है गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। ठीक है, ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने की लगभग सारी उम्मीद है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है 1915 में गांधी जी को किस उपाधि दी गई थी, कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? ये थी दोस्तों केसरे हिंद की, ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी केसरे हिंद। और ये जो है ना, जब जलियांवाला कांड हुआ था तब इन्होंने जो है ये केसरे हिंद की जो उपाधि थी ये भी त्याग दी, बोले मुझे नहीं चाहिए, आप हमारे देश में इस तरीके का नरसंहार कर रहे हैं और मुझे केसरे हिंद की उपाधि दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बताना है दोस्तों, जेल यात्रा करने वाले पहले कांग्रेसी कौन से थे, मतलब सबसे पहले जो गए थे वो थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आपको पता होगा जब भी नाम लिया जाता है बाल, पाल और मैं खुद भूल गया हूँ, है ना? तो ये है तीनों का नाम, आप बताएं आपको ध्यान है तो। और अगला है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा किसने मतलब अग्रसर की बंगाल के अंदर? वो थे बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, है ना, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। अगला है युगांतर का प्रकाशन वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था, ये पूछा जाएगा। ये युगांतर नाम की जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन कब हुआ? 1905 में। कौन थे करने वाले? वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? ये किया था दोस्तों पी मित्रा नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने इसका गठन किया, और लगभग 500 शाखाएँ जो हैं वो खोली गई थी। नेक्स्ट है हेमचंद, एक हेमचंद नाम के पर्सन थे, वो बम बनाने के लिए रूस भेजा गया था उन्हें। ठीक है, बम बनाने की विद्या सीखने के लिए कि किस तरीके से हैं। कुछ हमारे क्रांतिकारी लोग थे जो इस चीज़ में विश्वास करते थे कि अंग्रेजों का सामना लड़कर ही हो सकता है, अहिंसा से नहीं, तो उसी विचारधारा के थे हेमचंद, और जो है ये बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस गए थे। नेक्स्ट है अभिनव भारत, जिसका नाम, इस संस्था का नाम हमेशा जो है वीडी सावरकर साहब से जोड़ा जाता है, वही इसके फाउंडिंग मेंबर थे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 के अंदर। ठीक है, 1904 यानी कि बंगाल विभाजन से एक साल पहले। नेक्स्ट है भारतीय असंतोष का जनक,
भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? ये है हमारे बाल गंगाधर तिलक, है ना। ये कहा किसने था? वैलेंटाइन, वैलेंटाइन नाम के एक पर्सन थे अंग्रेज, जिन्होंने ये कहा था कि भारतीय असंतोष का जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों काल का संपादन, जो एक काल नाम की एक पत्रिका थी जिसका संपादन किसने किया, तो वो थे परांजपे। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखें, इसे मैं जल्दी ही आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए शेयर कर दूंगा और यहाँ से आप रिवीजन कर लें, और हो सके तो खुद भी छोटे से नोट्स बनाएं जो आपको नहीं पता थे इसमें से, उसके तो नोट्स बना लें। अपने नोट्स बनाने की भूमिका अलग होती है दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी लोग आप में से टीयर वन क्लियर करेंगे उन लोगों को मैं पर्सनली आप लोगों को जो है कंप्यूटर की क्लासेस दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके 90% से नंबर कम ना आए। रिटन में आप अपनी पूरी ताकत दिखाइए, और जो टीयर टू होगा, स्टेज टू होगा कंप्यूटर टेस्ट, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि उसमें जो है आप लोगों के कैसे भी करके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हों, कम ना होने पाए, ठीक है। और बस आप टाइपिंग करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको टाइपिंग भी नहीं आती, तो लास्ट के समय पर टाइपिंग सीखने का इतना समय नहीं होगा। बाकी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, फॉर्मेटिंग सिखाई जा सकती है, एक्सेल सिखाया जा सकता है, पावर पॉइंट भी सिखाया जा सकता है, पर टाइपिंग नहीं सिखाई जा सकती। तो टाइपिंग आप अभी से ही करते रहें, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अपनी प्रतिक्रिया दें, फीडबैक दें आप अपना, और नेक्स्ट वीडियो है जल्दी बनाता हूँ मैं, शाम को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।